नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। पूरे हरियाणा में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कल सिरसा क्षेत्र में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि आज इसमें एक और इजाफा हो गया। जी हां, एलनाबाद में एक कोरोना पॉजिटिव आज फिर से मिला है, जो कि 25 मई को गुरुग्राम से लौटा था, जिसकी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में एलनाबाद उपमंडल प्रशासन हरकत में आ गया और इसी के साथ वार्ड नंबर 10 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति बैंक कर्मी है, इसलिए बैंक कर्मी के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी ट्रेस किया गया है। इस व्यक्ति ने एलनाबाद के पालिका बाजार स्थित सैलून में कटिंग भी करवाई थी और उसके बाद 32 लोगों ने नाई की दुकान से कटिंग करवाई। वहीं बैंक कर्मी के परिवार को भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। पर्पल एलनाबाद से LD स्वामी की विशेष रिपोर्ट। हाँ सर, ये आज जो मामला पहला सामने आया है, तो इसमें प्रशासन की ओर से क्या एहतियात बरती गई है? ये दुर्गेश है, उनका घर आपको दिखाई दे रहा है सामने। ये गुड़गांव में बैंक कर्मचारी हैं, अपने घर आए थे, तो जैसे हमने यहाँ मेंटेन कर रखा है रोस्टर, जो भी आउटसाइड या विजिटर जो भी उनकी ट्रेवल हिस्ट्री होती है उनको हम रोस्टर बनाया हुआ है, चेक करवाते हैं। उनका सैंपल लिया गया तो पॉजिटिव आया है, तो इनके भी जो क्लोज कॉन्टेक्ट थे परिवार वगैरह उसको क्वारंटाइन भी कर दिया गया है और सैम्पलिंग की सैंपल भी जा रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास की गलियां हैं उनको भी कंटेनमेंट जोन बना दिया है। कंटेनमेंट जोन में कोई मूवमेंट अलाउड नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी है तो ड्यूटी पे भी नहीं जाएगा और नहीं जाएगा। और उनको यदि किसी चीज़ की आवश्यकता तो उसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है DV स्कूल में, यहाँ पर 22-11-54 उसका नंबर है टेलीफोन, तो चीज़ें इनको घर पे प्रोवाइड की जाएंगी, पैसे इनको देने पड़ेंगे। कब तक रहेगा सर कंटेनमेंट जोन? फिलहाल तो 28 डेज़ का है, अगर नई कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो उसके हिसाब से डील किया जाएगा। बफर जोन भी सर बनाएंगे? हाँ, बफर जोन इसके साथ में लगभग आधा किलोमीटर का एरिया, और इसको सैनिटाइज करवा दिया गया, इसको भी सैनिटाइज करवाने के आदेश दे दिए हैं। बाकी मैं मीडिया के माध्यम से अपील करूँगा कि कंटेनमेंट जोन में लोग घर से निकले और बफर जोन में और पूरे इलाहाबाद में ही एहतियात बरते, कम से कम घरों से निकले। लोगों ने ये प्रक्रिया अपना ली, बिल्कुल सामान्य वो है। अब नोटिफिकेशन भी हो गया है, 500 रुपये चलान होता है मास्क ना लगाने पे, उस पर भी हम अभी टीमें बना रहे हैं और पर्चियाँ वगैरह छपवाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जल्द ही कार्रवाई करेंगे, रोज चलान किए जाएंगे। इनके परिवार के लोगों को भी आइसोलेट किया गया? हाँ, आइसोलेट रहेंगे, पूरे परिवार के नहीं, ये पड़ोस के जो भी कंटेनमेंट जोन जो भी मार्क किया गया है, जो भी आसपास के 20-50 घर हैं उनको सब कोई। सर एक नाई भी है जिनसे इन्होंने कटिंग करवाई थी, वो तो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगी, जो इंचार्ज होगा ना कंट्रोल रूम का, उसका काम ही है, जो हेल्थ की टीम में काम कर रही है वो ये पूछने का कार्य करेंगी वो कहाँ कहाँ मिले हैं, किससे मिले हैं, तो उनका भी फिर बाद में सैम्पलिंग की करवाई जाएगी। और जो ये 7 का बफर जोन है, इसमें भी टीमें लगी हुई हैं क्लस्टर बना के, उस हर एक क्लस्टर में एक पर्टिकुलर टीम होती है जिसमें आशा वर्कर्स और ANMs होती हैं, वो इनकी टेम्परेचर टेस्टिंग और स्कैनिंग करेंगी बफर जोन में। जानते हैं कि आप भी एरिया के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आपका एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। दोनों गलियों में जो डॉक्टर सतपाल ग्रोवर है उनके घर से लेके राय सिंह बांबू के मकान के बीच में जितने भी घर हैं, कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट करेंगे। जो दूसरी गली है उसमें DV स्कूल से लेके और लालचंद दादा हाउस उनके घर तक, इन दोनों के बीच में जितने भी घर हैं, जितने भी मकान हैं, वो कोई भी व्यक्ति बच्चा अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर के अंदर ही रहेंगे। इसके अलावा आपको जिस भी प्रकार के दूध, परचून का सामान, सब्जी, फ्रूट, जिस भी सामान की आवश्यकता होगी, 22-11-54 डिलीवरी स्कूल पर हमारा कंट्रोल रूम बनाया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क करके और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो बता सकते हैं, वो सामान आपके घर के दरवाजे पर प्रशासन द्वारा भिजवाया जाएगा, जिसकी पेमेंट आप खुद करेंगे। ये दोबारा फिर नोट करें, डॉक्टर सतपाल ग्रोवर के घर
से लेकर रायसेन बांदर के घर तक, न्यूली सुपौल से लेकर मालचंद टाटा के घर तक